बहुत क्लियर हुआ। तो सर क्या ब्रह्म मुहूर्त में अगर हम ध्यान करें, अभी आपने ब्रह्म मुहूर्त की बात करी, तो क्या हमें ज्यादा एनर्जीज मिलेंगी या वो समय सबसे उचित समय है क्या ध्यान करने के लिए? ब्रह्म मुहूर्त सबसे उचित समय है ध्यान करने के लिए, वो इसलिए है कि हमारा ध्यान जल्दी लगता है। क्या है ध्यान लगना बोले तो, क्या मन विचार शून्य होना। बहुत से लोग कहते हैं भोजन खाने के पश्चात एकदम ध्यान नहीं करना चाहिए। अगर भोजन के बाद आप ध्यान करते हैं तो भोजन का पचन करने के लिए हमारी पूरी एनर्जी उधर जाती है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते पीएमसी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस नए एपिसोड में हमारे साथ शशिकांत सर जी बने हुए हैं, जो कि पिछले एपिसोड में भी हमारे साथ थे और हमारे प्रश्नों के बहुत सुंदर उत्तर दिए। इस बार भी हमारे साथ शशिकांत सर हैं, जो 2007 से ध्यान में जुड़े हुए हैं, PSSM से जुड़े हुए हैं और लगातार ध्यान कर भी रहे हैं और करवा भी रहे हैं 24/7। फ्रेंड्स, इनको 2021 में ब्रह्म ऋषि की उपाधि मिली थी। इन्होंने द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता का मराठी में अनुवाद भी किया है। तो आइए मिलकर एक बार फिर से स्वागत करते हैं शशिकांत सर का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नमस्ते पीएमसी में। नमस्ते, नमस्ते, थैंक यू। सर, आपने पिछले एपिसोड में हमें बहुत सारे प्रश्नों के बहुत प्यारे उत्तर दिए, इसलिए हमारी जिज्ञासा और बढ़ गई और हमने एक बार आपको फिर से आमंत्रित किया और आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार भी किया, उसका हम बहुत धन्यवाद करते हैं। तो सर, मैं जानना चाहती हूँ कि मौन में रहने से क्या फायदे होते हैं और इसका अध्यात्म से क्या संबंध है? हम क्यों मौन रहें? हमको ईश्वर ने जीवा दिए बोलने के लिए, फिर मौन क्यों रहना है? आपकी बात सच है कि ईश्वर ने हमें जीवा बात करने के लिए दिए हैं, फिर भी हमें मौन क्यों रहें? मौन इसलिए रहना है कि जब हम बात करते हैं तो हमारी ऊर्जा खर्च होती है और ये जो वैश्विक ऊर्जा है, इसी ऊर्जा से हम जीते हैं। हमारा चलना फिरना बात करना, इसमें ये ऊर्जा खत्म होती है। तो अगर हमें ऊर्जा सेव करना है तो पहली बात मौन रखना है। लेकिन मौन सिर्फ वाचा का नहीं है, तो ये मौन विचारों का भी है। क्योंकि जब हम बात करते हैं तो हमारे दिमाग में विचार आते हैं और फिर वो हमारे मुंह से बाहर निकलते हैं। लेकिन हमें ध्यान करना है तो आपको पता है कि हमें हमारा मन विचार शून्य करना है, खाली करना है। तो अगर हम मौन में रहते हैं तो वो और आसान होता है। दो फायदे होते हैं, एक तो हमारी ऊर्जा बचती है और दूसरी बात यह है कि हमें मन खाली करने में बहुत आसान होता है। इसलिए मौन रखना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी रोज़मर्रा जिंदगी जीने के लिए हमें बात करना तो जरूरी है। फिर भी पति सर कहते हैं कि जब बात करते हैं तो हमारे मुंह से मोती निकलने चाहिए, किंकर नहीं। अगर ऐसा होने के लिए हमें मौन ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए। जब हम बात करते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे शब्द ये धनुष में से निकलने वाले बाण हैं, तो हमें बहुत सोच समझकर हर एक शब्द का उच्चार करना चाहिए। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समय तक मौन रखना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। और मौन रखने से हमें शरीर की तो ऊर्जा बचती है, वैसे मन को भी शांति मिलती है, इसलिए मौन रखना जरूरी है। बहुत सुंदर सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया कि मौन हमारे लिए आवश्यक क्यों है, क्योंकि मौन रहने से ही हमारा धीरे धीरे चित्त भी शांत होना शुरू हो जाएगा और जब चित्त शांत हो जाएगा तो ऊर्जा हमारी बचेगी और वो ऊर्जा अन्य बहुत सारे कामों में काम आएगी। बहुत सुंदर सर। सर, मैं जानना चाहती हूँ कि हम जैसे अपनी साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, ध्यान साधना करते हैं,
तो हम अपनी जो प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करने से जो हमारे को अनुभव होते हैं या प्रैक्टिस करने का हमारा एक तरीका है, तो क्या वो भी हमें सबके साथ शेयर करना चाहिए? जरूर, क्योंकि जब हम ध्यान साधना करते हैं तो हर एक के मन में ऐसे सवाल आते हैं, हाँ मैं ये कर रहा हूँ लेकिन ये सही है क्या, इससे मेरा मुझे ध्यान अनुभव आएंगे क्या, ध्यान में मेरी आगे प्रगति होगी क्या। तो जब हम है अपना टेक्निक, इसलिए पत्री सर ने ध्यान का टेक्निक भी बहुत बढ़िया बना है। नॉर्मली ध्यान बोले तो ऐसी मुद्रा समझ में आती है, अपना अंगूठा और ये उंगली दोनों जोड़ के। लेकिन PSSM में पत्री सर ने हमको बताया है कि हमें ध्यान में बैठना है तो हाथों की उंगलियां इस तरह फंसानी है, हाथ आराम से नीचे रखने हैं, हम पट्टी मार के बैठ सकते हैं या पाँव क्रॉस कर सकते हैं और दोनों आँखें बड़ी कोमलता से बंद करनी है। इसके पीछे का साइंस यह है कि हमारी जो ऊर्जा है हमारे शरीर में वो 10% हाथ में से खर्च होती है, 10% पाँव में से और 80% आँखों में से खर्च होती है। जब हम इस तरह ध्यान साधना में बैठते हैं तो हमें हमारी ऊर्जा 100% हम से बचत करते हैं, सेव करते हैं और सुखासन में बैठ के अपना हर एक श्वास देखते हुए मन में आने वाले विचारों को छोड़कर हम ध्यानावस्था में जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा पाते हैं। इसलिए ध्यान साधना आप कैसी करते हैं, किस तरह बैठते हैं, ये दूसरों को बताना जरूरी है। और सुखासन इसलिए है, सुखासन का मतलब क्या है कि जिस आसन में आप ज़्यादा से ज़्यादा देर तक आराम से बैठते हैं। क्योंकि हम ध्यान में जब जाते हैं तो हम ये बाहर की दुनिया भूल जाते हैं, हमारा शरीर भूल जाते हैं, हमारे कामकाज भूल जाते हैं, हमारा परिवार, हमारा समाज, सब कुछ भूल कर हम हमारे अंदर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। ये अंदर की दुनिया ये बाहर की दुनिया से भी बहुत ज़्यादा सुहावनी है, आनंददायी है, शांतिदायी है। इसलिए उसका अनुभव करने के लिए ये ध्यान साधना में इसी तरीके से बैठना जरूरी है। पत्री सर बोलते हैं, डू मेडिटेशन, डू राइट मेडिटेशन, डू आना पान सती पिरामिड मेडिटेशन। बहुत सुंदर सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि हमें अपने एक्सपीरियंसेस, अपना तरीका क्यों शेयर करना है, क्योंकि ये बहुत सरल है, सहज है। पत्री सर ने बहुत प्यारे तरीके से हमको बताया कि सिर्फ डू मेडिटेशन नहीं, राइट वे, इन राइट वे आपको मेडिटेशन करनी है। जब तक हमारा तरीका सही नहीं होगा वो ध्यान ध्यान नहीं कहलाएगा। और फिर जो अनुभव होंगे, जो हमारे अंतर मन में हमारे को जाने के पश्चात जो अनुभव होंगे, तब हमें पता चलेगा कि बाह्य दुनिया और अंतर दुनिया के अंदर क्या डिफरेंस है। बहुत सुंदर सर, बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया। तो सर हमको क्या आप ये बताएंगे कि जीवन में हमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों लोग मिलते हैं। पॉजिटिव के साथ तो सभी कहते हैं कि रहना चाहिए, पर क्या हमें नेगेटिव्स के साथ भी रहना चाहिए जिनका बिहेवियर बहुत अजीब है, मार धाड़ वाला है, या आपका एब्यूजिव लैंग्वेज जिसे गाली गलौज कहते हैं हम, या गंदे तरीके से बात करने का तरीका है, तो क्या हमें ऐसे लोगों का साथ भी अपने साथ रखना चाहिए? नहीं, ऐसे लोगों का साथ कम से कम रखना चाहिए, और जो रखने का है उस वक्त हमें उनको बताना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं वो आपके लिए अच्छा नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि गुस्सा करना अच्छा नहीं है, क्यों नहीं अच्छा है? तो गुस्सा जब हम करते हैं हमको लगता है हम दूसरे को तकलीफ दे रहे हैं, उसकी तकलीफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन असल में क्या होता है, हमारा BP बढ़ता है, हमारी तकलीफ बढ़ती है। उसी तरह जब हम दूसरों को गाली गलौज करते हैं तो हमारे मन में ऐसा लगता है कि अरे हम मैं उसको एक तकलीफ दे रहा हूँ, लेकिन वैसा नहीं है, वो तकलीफ अपने आप को होती है। ये हमने वैसे लोगों को समझाना चाहिए और उनको आप बताइए कि थोड़ी देर तक अगर आप, जब आपका मन होगा किसको गाली देने का, ये करने का,
तो उस वक्त आप एक सोच करके देखिए कि उस वक्त आप रुक जाइए, कूल बेबी, थोड़ी देर के लिए ठंडे हो जाइए, उसको इमीडिएटली रिएक्ट मत हो जाइए, तो आपको क्या अनुभव आएगा? तो आपको ध्यान में आएगा कि आप भी शांत होते हैं और आपने ज़्यादा जवाब नहीं दिया करके सामने वाला भी धीरे धीरे शांत हो जाता है। इसलिए ऐसे माहौल में अपने आप को अगर आप ठंडे दिमाग से रखते हैं तो बाहर का माहौल कैसा भी हो आप खुशी में ही रहेंगे, आनंद में ही रहेंगे। पुणे के देव रोड में तुकाराम महाराज हो गए, उनको जगत गुरु बोलते हैं, वो बोलते हैं कि आनंदाचे डोही आनंद तरंग। आपके आसपास का वातावरण कैसे भी हो, लोग कैसे भी हो, माहौल कैसा भी हो, लेकिन जब आप ध्यान करते हैं तो आप खुश रहते हैं। ये खुशी अंदर से आती है, बाहर की चीज़ों पर ये खुशी रहती नहीं, ये खासियत है। फ्रेंड्स, हम समझ पाए कि हमारा आनंद हमारे भीतर स्थित है और भीतर से ही जो आनंद आता है वही असल में हमें आनंदित करता है। नेगेटिव हमारे आसपास नेगेटिव लोग हैं, पॉजिटिव लोग हैं, मिरेकुलस हैं या डिजास्टर हैं, उससे हमें अंतर नहीं पड़ता यदि हम अपने साथ रहना जानते हैं। तो सर, क्या मैं ये जान सकती हूँ कि आखिरी समय, अंतिम समय, जो हमारे जीवन के अंतिम पल होते हैं, क्या उस समय हमें अपनी पूरी सच्चाई, अपना पूरा जीवन सब कुछ दिख जाता है, हमें प्रतीत हो जाता है कि हमने क्या किया, क्या सही और क्या गलत किया? ये जो है, हम कौन से स्टेट में है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। नॉर्मल आदमी उस अवस्था में दुखी रहता है, अरे मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन अगर आप ध्यानी है, अगर आपका मन बैलेंस्ड है, तो आपका मन में ये दुख नहीं रहेगा। और हमने ज़िंदगी में क्या क्या किया है, क्या करना है, ऐसा हमारे सामने आ सकता है। लेकिन जब हम ये देह छोड़ते हैं, शरीर छोड़ते हैं, तो उसके बाद जब हम ऊपर जाते हैं, तो उस वक्त आप जो कहते हैं ना कि हमारी पूरी ज़िंदगी का चित्रपट मूवी हमारे सामने दिखाया जाता है और हमें पता लगता है कि हमने क्या क्या किया है। और उस वक्त हमको ये भी पता रहता है कि हम क्या करने वाले थे, क्या करना चाहते थे, लेकिन हमने क्या किया, ये दोनों भी अपने सामने आ जाते हैं। दूसरी बात यह है, अंते मति सा गति, यानी हमारे आखिरी क्षण में हम जो सोचते हैं वैसा ही हमारा आगे की जिंदगी रहती है। इसलिए हमारे इसमें बोलते हैं कि राम का नाम लो, या वो जो आदमी छोड़ के जाने वाला है, अभी उसका अंतिम क्षण नज़दीक आया है, तो उसके नज़दीक गीता का पाठ पढ़ाया जाता है। उसके पीछे का मतलब यही है कि हमारा मन शांत होना चाहिए, अपने आप में डूबा हुआ रहना चाहिए, ना कि किसी को गाली गलौज करता है, किसी के लिए रोता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अंतिम क्षण में जो आप सोचेंगे वही आपके अगले जन्म में हो जाएगा। और पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ऐसा कुछ लोगों को अनुभव आया है, ऐसी कुछ बीमारी रहती है कि हम बहुत दवा दारू करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ रिपोर्ट्स तो नॉर्मल आते हैं, लेकिन तकलीफ तो हमको होती है। तो जब हम पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाते हैं तो पता चलता है कि अरे मेरे वो पिछले जन्म में या पिछले के पिछले जन्म में ऐसा कुछ हुआ था और इसलिए मेरे को तकलीफ हो रही है। और जब हमको ये पता चल जाता है, उसके बाद वो तकलीफ गायब हो जाती है। इसलिए अंतिम समय में आपका मन शांत रहना, प्रसन्न रखना ये जरूरी है, और ये आप सिर्फ ध्यान के माध्यम से ही कर सकते हैं। सर, ये समझ में आ रहा है कि हर प्रश्न का उत्तर अंत में आकर ध्यान पर टिक जाता है। अगर हमको अच्छी गति चाहिए अगले जन्म की, अगले जन्म में अच्छा जन्म चाहिए, इस जन्म की अच्छी गति चाहिए, मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए, तो हमारे को अपने जीवन में ध्यान लाना आवश्यक है। क्योंकि यदि ध्यान होगा
तो हमारा अंत समय, जो अंतिम पल होंगे, वो बहुत शांत होंगे। और यदि शांत होंगे तो आगे का जीवन, जो अगला जीवन है, वह भी शांत ही हमें मिलेगा। बहुत सुंदर सर, बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया हमें। तो सर, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ, क्या हम अपने ऑरा को क्लीन कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं? क्या ये हमारे लिए संभव है या केवल ध्यानियों के लिए संभव है, एक आम जनता के लिए नहीं है? आम जनता को पता ही नहीं ऑरा क्या होता है और उसको कैसे क्लीन किया जा सकता है, उसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो जब आप ध्यान में आते हैं तो पता लगता है। ऑरा जो है आम आदमी को मालूम है। अभी आप हर एक संत का या भगवान का तस्वीर देखते हैं, फोटो देखते हैं, तो उसके पीछे ऐसा तेजो वलय रहता है, उसको आभा वलय बोलता है या तेजो वलय बोलते हैं या ऑरा बोलते हैं, ये आम आदमी को मालूम है। लेकिन अपना ऑरा कैसा बढ़ाने का या उसको कैसा क्लीन करने का आम आदमी को पता नहीं रहता है। और वो समझने के लिए, वो समझ ऐसा बाहर से बताने से आती नहीं है, वो अंदर से आनी चाहिए। और वो अंदर से आने के लिए ध्यान करना चाहिए। जब आप ध्यान करते हैं तो आपको, जब आपको ध्यान की ऊर्जा मिलती है, तो उस ऊर्जा से हमारा पूरा नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है और फिर वो ऊर्जा हमारे शरीर में और बहने लगती है, बढ़ने लगती है, उसका संचय बढ़ता है, तो हमारा भी ऑरा बढ़ता है। ऐसा कहते हैं कि गौतम बुद्ध का ऑरा 18 योजन दूर था। और ऐसा ही अनुभव हमको पत्रीसर के बारे में, ऑरा के बारे में पता चला कि जब पत्रीसर USA गए थे, तो आपको पता है कि वो पाश्चिमात्य लोग बहुत चिकित्सक रहते हैं, उन्होंने पत्रीसर का ऑरा मेजर किया मशीन से और उनको ऐसा पता चला कि अभी जो जीवित गुरु है उनमें से पत्रीसर का ऑरा मैक्सिमम है। और इसका अनुभव हमने पुणे में लिया है, करीबन 7-8 साल की पहले की बात है। पत्रीसर पुणे आए थे और पुणे से अबाउट 25 किलोमीटर्स चिंचवड़ करके सबर्ब है, तो वहाँ से हमको एक फ़ोन आया कि क्या पत्रीसर पुणे आने वाले हैं या आ गए हैं। मैं बोला हाँ आ गए पुणे में, तो आपने हमको बताया नहीं, हम मिलना चाहते हैं सर को। बोला हमने सबको तो मैसेज दिए हैं, पॉम्पलेट्स बांटे हैं, पेपर में दिया है आपको, फिर आपको कैसा पता चला, कैसे हमको फ़ोन किया? वो बोले कि मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि सर आ रहे हैं, इधर आ गए पुणे में, इसलिए मैंने आपको फ़ोन किया। सुनकर भी गूज पंप हो रहे हैं। यस सर के बारे में तो मतलब हमने भी सुना कि सर का ऑरा, और हमने महसूस करा सर के ऑरा को बहुत दूर दूर तक, मतलब उनके ऑरा की तो फील ही, मतलब आज भी बात करते हैं तो अंदर से, मतलब अब भी हम फील कर रहे हैं उस ऑरा को। यस सच्ची बात है। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ध्यान करते हुए बहुत समय हो गया मुझे, और मुझे ये भी पता है कि पॉजिटिव सोचना है, ध्यान में पॉजिटिव ही सोचना है, परंतु नेगेटिव थॉट्स हैं कि कट होने का नाम ही नहीं ले रहे। जो ध्यान करने से पूर्व मेरे मन में नेगेटिव थॉट थे, वो ध्यान के पश्चात भी हैं, उनसे कैसे मैं अपना छुटकारा पाऊँ, कैसे अपना पीछा छुड़ाऊँ, कैसे उनको कट करूँ, कौन सा तरीका है? ध्यान तो मैं कर रही हूँ, फिर कैसे करूँ? विचार कब, नेगेटिव विचार किस में आते हैं? मन में आते हैं, वैसे पॉजिटिव कहते हैं, लेकिन मन की एक आदत है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए, और जो विचार हमें नहीं चाहिए उसको हम कट कर सकते हैं। बोले तो मन की क्या आदत है? हमें कांटे से कांटा निकलना है। मन की आदत यह है, अगर आपके मन में एक विचार आया तो दूसरा, तीसरा, चौथा सब विचारों की श्रृंखला बन जाती है, और हमें आदत पड़ गई है कि उस विचारों के पीछे पीछे भागने की, उस श्रृंखला में हम फंस जाते हैं। लेकिन अगर हमें हमारा मन खाली करना है, नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना है, तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका है, जो भी विचार आएगा उसको आप दबा के रख सकते हैं, लेकिन विज्ञान क्या बोलता है कि इस दुनिया की कोई भी चीज़ आप ज़्यादा देर तक दबा के नहीं रख सकते हैं, उसका विस्फोट होता है, हमें विस्फोट करना नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं?
तो ये जो विचारों की श्रृंखला है उसे तोड़ देना है, कट करना है, उसमें उलझना नहीं है, उसे दूर रहना है। कैसे? तो मान लो आपको कल सुबह 10 बजे किसको मिलना है, आपके मन में विचार आएगा, अरे मेरे को 10 बजे मिलना है, काम तो बहुत जरूरी है, लेकिन उस वक्त बारिश होगी क्या? अच्छा बारिश नहीं होगी, लेकिन ट्रैफिक जाम होगा क्या? मैं टाइम पे पहुंचूंगी क्या? मैं टाइम पे पहुंचूंगी, वो आदमी आएगा क्या? अच्छा वो भी आ गया, लेकिन वो मेरा काम करेगा क्या? हाँ बोलेगा तो क्या करेंगे, ना बोलेगा तो कैसा करें? ऐसे विचार आते ही रहते हैं, तो उनको कट करने का आसान तरीका यह है, हाँ मुझे 10 बजे वो आदमी को मिलना है। ऐसा विचार आपके मन में आया तो उसके मिलने के बारे में जो भी विचार है सब कट हो जाएंगे, रुक जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपका मन खाली हो गया, शांत हो गया। हमारा मन इतना चंचल है, अभी मैं पुणे में बैठा हूँ, आप दिल्ली में हैं, अगले क्षण मैं दिल्ली में हो सकता हूँ, उसके अगले क्षण मैं इंग्लैंड अमेरिका में हो सकता हूँ, चांद में मंगल पर भी जा सकता हूँ। इस चंचल मन को शांत करने के लिए जो भी मन में विचार आते हैं उनको छोड़ देना है, कट करना है, उनके पीछे पीछे भागना नहीं, यही तरीका है। दिस इज द ओनली वे। फ्रेंड्स हम समझ रहे हैं कि विचारों का पीछा नहीं करना, विचारों से खेलना नहीं है हमें। विचार आए उसको शांत भाव से देखना है, साक्षी भाव से देखना है और उसे जाने देना है। यदि हम उससे खेलने बैठ गए, उसके साथ बातचीत करने बैठ गए, तो वो बहुत दूर ले जाएगा हमको। बहुत सुंदर सर, बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया। सर एक प्रश्न और दिमाग में आ रहा है इसी से रिलेटेड, कि बहुत से लोगों की मेमोरी डिलीट हो जाती है, कि मतलब वो भूल ही जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करा हमने अभी तक, कैसे करा, कैसे तो उनकी मेमोरी को वापस लाने के लिए क्या करें हम, कैसे मेमोरी को वापस लाएं? नहीं, मेमोरी अगर नॉर्मल वर्क में इफ वी आर लूजिंग, यानी कल किया जैसा बोलते हैं ना, उम्र में उम्र बढ़ गई तो अपने को याद नहीं रहता है, ऐसा भी होता है, या काम की व्यस्तता से भी अपना मेमोरी हम कुछ कर चीज करने के भूल जाते हैं। समझो हमको 10 काम करने हैं तो 5-6-7 काम करते, 2 काम के बारे में हम पूरे भूल जाते हैं। तो ये करने के लिए अगर हमको पूरी मेमोरी अच्छी रखनी है तो उसके ऊपर भी ध्यान यही सॉल्यूशन है, क्योंकि ध्यान करने से हमारी यादगार अच्छी होती है और जो भी हम काम करते हैं वो 100% करते हैं, क्योंकि ध्यान में हम माइंडफुलनेस में करते हैं, इसलिए जो काम हम करते हैं उसमें हम 100% देते हैं, वो काम हो जाता है और दूसरा काम याद आता है और ऐसे चेन चलती रहती है। इसलिए आपको काम के बारे में भूलने का नहीं है, काम अच्छा करना है, आसानी से करना है, तो हर रोज सुबह ध्यान करना जरूरी है। और कुछ कोई भी महत्वपूर्ण काम आप ध्यान करते हैं तो काम करने के पहले आप 1-5 मिनट भी ध्यान किया तो भी आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ जाएगा। बहुत सुंदर सर, बहुत प्यारे तरीके से आपने समझाया कि मेमोरी लॉस असल में होती नहीं है, स्ट्रेस की वजह से हम थोड़ा सा उससे डिस्टेंस में आ जाते हैं। जब हम ध्यान करेंगे तो वह सब कुछ जो हमें चाहिए, जो हमारे लिए जरूरी है, वो रीगेन कर लेंगे। सर मैं जानना चाहती हूँ किस्मत और कर्म में क्या डिफरेंस है? हम कहते हैं हमारी किस्मत में ये नहीं लिखा, ये लिखा था, हमारे कर्मों का दोष है। मतलब हम किस्मत और कर्म को ज़्यादातर एक ही तराजू में रख देते हैं, पर क्या ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं या एक ही चीज़ है? किस्मत और कर्म में थोड़ा फर्क है। आप जो पिछले जन्म में जो कर्म करते हैं उसके बेसिस पे आपकी किस्मत लिखी जाती है, लेकिन आपके कर्म सही होंगे तो जो आपकी किस्मत है वो आप बदल सकते हैं। इसलिए लेकिन ये करने के लिए कैसे कर सकते हैं आप? तो अगर आप ध्यान करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं,
तो वो गलती आप सही करेंगे। ध्यान करने से ऐसा बोलते हैं कर्म को जला सकते हैं, यानी हमारे नसीब में ये जो हम इस जिंदगी में फेस कर रहे हैं उसका कनेक्शन पिछले जन्म से, उसके पिछले जन्म से जो हमने कर्म किया है उससे रहता है। लेकिन वो जो कर्म किया है हमने, गलत काम किया है, उसका असर ये जिंदगी में होता है। लेकिन अगर हम ध्यान करते हैं तो उस कर्म को जला देते हैं, इसलिए उसके उसका असर इस जिंदगी में हमारे ऊपर ता नहीं है। इसलिए कर्म और अपना जो नसीब जो बोलते हैं उसमें कनेक्शन है, लेकिन उसमें बदलाव हम ध्यान के माध्यम से ही ला सकते हैं। मतलब हम ये समझ में आता है हमको कि अपने अच्छे कर्मों द्वारा, ध्यान द्वारा हम अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। वी कैन क्रिएट आवर ओन रियलिटी। तो ये एक कोई किताबी बात नहीं है, ये हम सब ध्यानियों ने, जितने PSSM के मास्टर्स हैं, हम सब ने ये सब कुछ करा है, स्वयं करा है, अपने ऊपर इसको एक्सपेरिमेंट किया है। फ्रेंड्स, तो शशिकांत सर हमको कोई किताबी बात नहीं बता रहे, वो अपना स्व का अनुभव बता रहे हैं और उस अनुभव का हमको फायदा उठाना ही चाहिए। बहुत सुंदर सर, धन्यवाद। सर मैं जानना चाहती हूँ कि बहुत से लोगों को इंट्यूशंस ध्यान के पश्चात बहुत होने लगती हैं, मतलब इतनी ज़्यादा इंट्यूशंस होने लगती हैं कि, और जनरली मैंने देखा है, अभी मेरे पास एक सज्जन आए थे तो उनको इंट्यूशंस होती थी, तो अगर कुछ अच्छी इंट्यूशन हो रही है कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है, कहीं से पैसा आने वाला है, मेरा बिजनेस अच्छा होने वाला है या स्वास्थ्य में लाभ होने वाला है, वो तो आदमी लेता है, देखता है, इंट्यूशंस आती हैं, उसको अवॉइड कर देता है कि ठीक है, हो रहा है हो रहा है। परंतु कुछ नेगेटिव थॉट आते हैं, नेगेटिव इंट्यूशंस आती हैं कि कोई बीमार होने वाला है, बिजनेस में नुकसान होने वाला है, मेरे संबंध खराब होने वाले हैं, उससे वो इतना घबरा जाते हैं कि वो जीवन जीना ही भूल जाते हैं। तो सर मेरे पास आए एक सज्जन, तो वो इतने घबराए हुए थे कि मैं हर वक्त इन सब चीज़ों से घबराता रहता हूँ, कैसे इन सब से पार पाऊँ। तो कुछ हमें बताइए कि कैसे, क्या समझें हम अपनी इंट्यूशंस को, ये नेगेटिव इंट्यूशंस हैं, पॉजिटिव हैं, या ये आनी अच्छी हैं या गलत हैं, और आ रही हैं तो इनके साथ हम करें क्या, कैसे डील करें इनको। ये बात सही है, हम भगवान ने हमें इंट्यूशन पावर दी है। कोई भी आम आदमी अगर उसके जिंदगी की सबसे अच्छी बात घटना याद करे या सबसे बुरी घटना याद करे तो उसको पता चल जाएगा वो घटना होने के पहले उसके मन में ऐसा ख्याल आया होगा, उसको कुछ लगा होगा, अरे ऐसा कुछ तो भी होने वाला है। एग्जैक्टली क्या होने वाला है उसको पता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ तो भी होने वाला है। और जब वो घटता है तो फिर वो बता रहे, हाँ मेरे को ऐसा लग रहा था। ये अनुभव हम सब ने कभी ना कभी लिया ही होगा। तो ये पावर भगवान ने हमें दे दी है, इंट्यूशन पावर। लेकिन जब हम ध्यान करते हैं तो ये इंट्यूशन पावर बढ़ती है और हमें सचमुच क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है, ये सब पता चलता है। इसमें दोनों भी चीज़ आती है, अच्छी बातें होगी, अच्छी इंट्यूशन होगी तो लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन कुछ डरावनी चीज़ होती है तो उनको डर लगता है, बुरा लगता है। तो आपका सवाल है, बुरा लगने वाली बातें हम कैसे टाल सकते हैं? उसके लिए ये है कि ध्यान का जो हमारा समय है वो बढ़ाना चाहिए। हमारे पुणे में भी एक लेडी है, वो ध्यान के आने के पहले उसको ऐसे इंट्यूशन बहुत आते थे, कोई आदमी बीमार होने वाला है या अड़ोस पड़ोस का कोई आदमी जाने वाला है या किधर कोई एक्सीडेंट होने वाला है, और वो डर जाते, नॉर्मल है, डर जाते। लेकिन जब से वो ध्यान में आई, ध्यान करने लगी, तो उसके ये जो निगेटिव इंट्यूशंस है वो अपने आप बंद हो गए। तो ध्यान के माध्यम से
आप ये नेगेटिव इंट्यूशन का सामना कर सकते हैं, उसमें से छुटकारा पा सकते हैं। हर चीज का जवाब केवल ध्यान। पत्री सर भी ये जनरली कहते थे, आपके पैर में दर्द है, ध्यान। आपको कैंसर है, ध्यान। आपका संबंध खराब है, ध्यान। जीवन में आनंद नहीं है, ध्यान। बिजनेस खराब है, ध्यान। मतलब वो कहते थे हर सवाल का जवाब केवल ध्यान है। यही आज शशिकांत सर कर रहे हैं, हर सवाल के जवाब के अंत में केवल और केवल वो ध्यान के को बताते हैं कि ध्यान करेंगे आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा, और मिलने का तरीका केवल ध्यान है। बहुत सुंदर सर, बहुत ही प्यारे तरीके से आप हमको समझा रहे हैं। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो ध्यानी है, क्या इनका दिमाग और एक आम जनता जो ध्यान नहीं कर रही है, उनके दोनों के दिमाग में माइंड पावर में डिफरेंस होता है क्या? क्या जो ध्यानी है उसका दिमाग तेज चलता है, वो हर काम को जल्दी ग्रास्प कर लेता है, और जो नॉन ध्यानी है वो नहीं कर पाता उतनी स्पीड से? क्या डिफरेंस है क्या दोनों की ग्रास्पिंग पावर में? हाँ जरूर डिफरेंस है, क्योंकि आम आदमी बहुत कंफ्यूज रहता है, उसका फोकस नहीं रहता है, एक ही टाइम में वो हर तरह के विचार करते रहता है। और जो ध्यानी बनता है, जब वो ध्यान करने लगता है तो ये विचार अपने आप कम हो जाते हैं। जो भी चीज़ वो करता है उसके ऊपर उसका पूरा फोकस रहता है, केंद्रित रहता है, और उसकी वजह से वो जो भी कुछ काम करता है वो उससे अच्छा ही होता है, क्योंकि उसमें उसकी पूरी एनर्जी लगती है। और काम अच्छा होने से उसको तो खुशी मिलती है, लेकिन ये खुशी उसके इर्द गिर्द भी फैल जाती है, और ये खुशी इर्द गिर्द फैलने के बाद उसके स्वभावताल का वातावरण भी आनंदमय और प्रेममय हो जाता है। इसलिए उसके संपर्क में जो भी लोग आते हैं, फिर में वो घर में हो, अड़ोस पड़ोस में हो, नौकरी या व्यवसाय में हो, समाज में हो, उनको भी अच्छा लगता है। उनके आपसी संबंध जो है अपने आप अच्छे होते हैं, क्योंकि हमारे आपसी संबंध, हमारा आनंद हमारे मन से जुड़ा हुआ है। हम याद कर सकते हैं, हमारा एक बहुत अच्छा दोस्त है, हमारे उसकी बहुत अच्छी चलती थी, मिलती थी, लेकिन हमारा कुछ वजह से झगड़ा हो गया तो उसका नाम निकाला तो भी हमें गुस्सा आ जाता है। अगर वो सामने से आया तो हम रास्ता बदल देते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, लेकिन जब हमारा मन प्रसन्न रहता है उस वक्त अगर वो साथ में से हमने से आया तो हम भी उसको मुस्करा देते हैं, उसकी तरफ मुस्कराते हैं और वो भी हमसे मुस्कराता है। यानी ये हमारे माइंड की स्टेट है। इसलिए जब हम ध्यान करते हैं हम आनंद में रहते हैं, आनंद में रहते हैं हम रहते हैं दूसरों को भी रखते हैं, इसलिए हमारे आपसी संबंध अच्छे हो जाते हैं, हमें खुशी मिलती है, और यही खुशी हम सबको बांटते हैं, और इसीलिए ही हम इस धरती पर आए हैं। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने समझाया कि कितना डिफरेंस है एक ध्यानी और नॉन ध्यानी में, किसकी कैसे क्यों ग्रेस्पिंग पावर ज़्यादा होती है। बहुत सुंदर तरीके से हमारी समझ में आया। तो शशि सर हम एक बात और जानना चाहते हैं कि क्या मतलब हम कार्मिक कटिंग भी हो जाती है हमारी ध्यान के द्वारा, कि हमारे कर्मों में सपोज हमने कुछ पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म करे थे जिसकी वजह से अब हमको दुख मिलने चाहिए, परंतु हम ध्यान में आ गए और हमारे को वो दुख बहुत हल्के हो गए, आए भी तो आकर ऐसे चले गए कि हमको खास पता नहीं चला, क्या ऐसा संभव है? जरूर संभव है, संभव नहीं ऐसा होता ही है, क्योंकि ध्यान से हमारे कर्म जो जाते हैं, जो गलत कर्म है वो नष्ट हो जाते हैं। जैसा अभी बोलते हैं लोग प्राणायाम योगासन करते हैं तो क्या उनको बीमारी आती नहीं है क्या, तकलीफ होती नहीं है क्या? अगर उनके नसीब में है तो होने वाली है। हाँ उनको बीमारी आई, टेम्परेचर आ जाएगा, उनको नॉर्मल कोर्स में 104 टेम्परेचर आया तो योगासन प्राणायाम ये जो करते हैं
उसको 102 आएगा, लेकिन अगर वो योगासन के साथ ध्यानी होगा तो उसको टेम्परेचर आएगा ही नहीं, या 99 नाम के वास्ते आ जाएगा और जल्दी चला जाएगा। ये फर्क है, दैट इज द डिफरेंस। तो फ्रेंड्स, आपने समझा कि ध्यानी और नॉन ध्यानी में क्या अंतर है, कैसे हम अपने कार्मिक अकाउंट को बैलेंस कर सकते हैं। छोटी छोटी सी बातें, परंतु सबका आंसर एक ही, ध्यान, ध्यान और केवल ध्यान। तो सर, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हम अपनी एज को रिवर्स भी कर सकते हैं ध्यान के द्वारा? हाँ, जरूर कर सकते हैं। यानी कर सकते हैं बोले तो अपने आप हो जाता है, अपने को उसके लिए अलग कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये कैसे होता है और क्यों होता है? ध्यान में हम ये ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा पाते हैं। हमारा जो ऊर्जा शरीर है, ये हड्डी पिछले मसल्स के पीछे, ये ऊर्जा शरीर, जब बीमारियां कब होती है, जब इस ऊर्जा शरीर में, शरीर के उस अवयव में ऊर्जा कम होती है। इसलिए किसी को मधुमेह रहता है, शुगर का प्रॉब्लम रहता है, किसी को बीपी रहती है, किसी को घुटने का दर्द होता है, किसी को पेट का दर्द होता है, तो किसको ये सब रहते हैं। तो ऊर्जा, हम ध्यान करते हैं तो वो ऊर्जा हमारे शरीर में बहने लगती है, और हर एक पूरे शरीर में बहने लगने के बाद जहाँ जहाँ ऊर्जा कम होती है, उस ऊर्जा का बैलेंसिंग हो जाता है, क्लिनसिंग हो जाता है और बैलेंसिंग हो जाता है। और जब ये होता है, तब हमारी जो भी बीमारी हो, फिर वो शारीरिक हो, मानसिक हो, बौद्धिक हो, सामाजिक हो या आध्यात्मिक हो, वो अपने आप बिना कोई दवा लेते हुए, डॉक्टर के पास न जाते हुए हम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। इसलिए पत्री सर की स्लोगन है, नो डॉक्टर, नो मेडिसिन, नो मेडिकेशन, ओनली मेडिटेशन। दवा दारू कुछ भी नहीं, सिर्फ ध्यान। लाख दुखों की एक दवा है आना पान सती पिरामिड ध्यान। तो सर, ऐसा होता है कि बहुत से लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमें नज़र लग जाती है, हम अच्छे लग रहे हैं, हमको नज़र लग गई, हमारा ये काम अच्छा खासा चल रहा था, हमको नज़र लग गई। इवन कुछ मास्टर से भी सुनने में आता है कि वो भी एक बात शेयर कर देते हैं कई बार कि हमको नज़र लग गई। तो सर, मास्टर्स भी करते हैं, तो फिर जो नॉन मास्टर्स हैं या नॉन ध्यानी हैं, उनके लिए तो हम क्या कहें? तो कैसे ये संभव है नज़र लगना? नहीं, नज़र लगना इसका मतलब क्या है, हमें तकलीफ होती है, बराबर है। हम अच्छे मूड में हैं, हम अच्छे जॉली मूड में हैं, लेकिन किसी ने देखा, किसको उसके बारे में मच्छर आ गया, ये आ गया, तो हमें तकलीफ होती है, हमें अनइजी लगने लगता है। तो ये क्यों होता है? उसकी वजह यह है कि जो आपको, जिसकी नज़र आपको लगती है, उसके पास निगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है और आपके पास अपनी पॉजिटिव एनर्जी कंपेरेटिव। लेकिन अगर आपके पास पॉजिटिव एनर्जी ज़्यादा होगी तो आपको उसके नज़र का कुछ, आपके ऊपर कुछ असर नहीं होगा। और यही हाल बीमारी का भी है। अभी कोरोना आ गया था, सब लोग, बहुत सारे लोग बीमार हो गए, लेकिन कुछ लोगों को कुछ भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उनके शरीर में वो रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा थी, बीमारी को लड़ने के लिए वो तैयार थे। लेकिन कुछ लोग डर के मारे, कोरोना में तो सबको पता है, कोरोना नहीं भी हुआ लेकिन कोरोना के डर से लोग मरे थे जी। तो ये जो है, ये निगेटिव ऊर्जा का असर है। तो अगर आपकी ऊर्जा पॉजिटिव होगी तो आपके ऊपर किसी के, कोई कितना भी निगेटिव आदमी आने दो आपके पास, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इसलिए जो हीलिंग करते हैं, और लोगों को पहली जिम्मेवारी क्या रहती है कि जब हीलिंग, ये एनर्जी का आइंस्टाइन ने भी फॉर्मूला बनाया है कि E=mc². ये एनर्जी जो है, ये कोई भी निर्माण नहीं कर सकता है और कोई नष्ट भी नहीं कर सकता है। जब आप किसी को हीलिंग करते हैं बोले तो क्या करते हैं कि उसकी निगेटिव एनर्जी हटा देते हैं उसमें से, लेकिन वो तो गायब नहीं होती है, उसकी जगह चेंज होगी, कहाँ जाएगी वो? तो पहले वो अटैक करेंगे जो हील करता है उसके ऊपर। लेकिन अगर उसकी एनर्जी पॉजिटिव ज़्यादा होगी तो उसके ऊपर उसका असर नहीं होता है। लेकिन हम कभी कभी सुनते, अरे हीलर ही बीमार हो गया करके, क्यों हो गया?
तो इसकी वजह से हो गया। इसलिए अपनी पॉजिटिव एनर्जी पॉजिटिव रखना, उसकी लेवल हाई रखना, ये हमारा काम है। और वो काम करने के लिए हमें ध्यान यही एक माध्यम है। और इसका और एक बात बताता हूँ मैं कि ध्यान हर रोज क्यों करना चाहिए, कम से कम 40 दिन क्यों करना चाहिए। उसका मतलब यह है हर रोज, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी आना तो हमेशा चलते ही रहता है, तो इसलिए हर रोज ध्यान करना चाहिए। फिर लोग पूछते हैं, आप बोलते हैं कि कम से कम 40 दिन ध्यान करना चाहिए तब तक आपको रिजल्ट्स मिलना मुश्किल है। तो इसका ऐसा है कि हर एक आदमी ने पिछले जन्म में कुछ तो भी ध्यान किया रहता है। उसने पिछले जन्म में कितना ध्यान किया है, कितनी साधना की है, उसके रिजल्ट्स इस जन्म में जब वो ध्यान करना चालू होता है तब पता चलता है। क्योंकि कुछ लोगों को ध्यान में अनुभव बहुत जल्दी आते हैं, वो समाधि अवस्था में फट करके जाते हैं, और कुछ लोग महीने महीने साल साल तक ध्यान करते लेकिन उनको कुछ एक्सपीरियंस नहीं आते हैं, उनको लगता कुछ गलत है। गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन ध्यान की लेवल पढ़ने के सिवा आपको अनुभव नहीं आएंगे, उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। इसलिए 40 दिन ध्यान इसलिए किया है, और आप देखेंगे हर एक धर्म में हर एक मजहब में 40 दिन का बहुत इम्पोर्टेंस है। हमारे हिंदू धर्म में हनुमान चालीसा बोलते हैं, 40 का मतलब यह है। मुस्लिम लोगों में या क्रिश्चियन लोगों में उपवास जब करते हैं तो वो भी 40 दिन के रहते हैं। इसका वजह क्या है, उसका साइंटिफिक वजह यह है कि हमारा जो ये शरीर है उसमें जो सेल्स है, कोशिकाएं है, वो 40 दिन में चेंज होती है। पुरानी सेल्स जाके नई सेल्स आना 40 दिन के साइकिल में पूरा हो जाता है। तो जब आप 40 दिन ध्यान करते हैं कंटिन्यू रेगुलरली, तो दो चीज़ होती है। एक, अपने शरीर को एक आदत हो जाती है कि ध्यान, अरे हाँ मेरे को अभी ध्यान करना है। तो जैसे लोग घूमने को जाते हैं, सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, अगर वो एक जिनको 2-4 साल जाते हैं, अगर वो एक दिन नहीं गए तो उनको अनिसी लगता है। कोई योगासन प्राणायाम करते हैं सालों से, उसने एक आध दिन उन्होंने नहीं किया तो उनका दिन अच्छा नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में वो आदत बन जाती है। सो 40 दिन ध्यान करना बोले तो हमारे शरीर को आदत होती है। और दूसरी बात, हमारे शरीर का पूरा शुद्धिकरण क्रिया जो है, नाड़ी मंडल जो शुद्ध होता है, वो 40 दिन में शुद्ध होता है। बहुत सुंदर तरीके से सर आपने समझाया, और ऊर्जा का विज्ञान भी बताया कि 40 दिन क्यों जरूरी है, रोज करना क्यों जरूरी है। तो हम समझ पा रहे हैं, मेरा ख्याल हमारे सभी ध्यानी मित्र बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ध्यान क्यों करना है और इसकी रोज डेली की प्रैक्टिस क्यों जरूरी है, और 40 दिन का चालिया क्यों करना है, ध्यान का चालिया क्यों करना है। कोई तो विज्ञान होगा ना इसके पीछे, तो हम सबको समझ में आ गया। बहुत सुंदर सर। तो शशि सर, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ध्यानी लोग ज़्यादातर कहते हैं कि यूनिवर्स से जो संकेत मिलते हैं वो हम ग्रहण कर लेते हैं, किस प्रकार से मिलते हैं वो संकेत उन्हें? वो संकेत 2-3 प्रकार से मिलते हैं। एक तो ये इंट्यूशन है, वो आती है। दूसरा विजुअल भी आता है, कभी कभी सामने आपको दिखता है। और तीसरा बात है कि ये दोनों भी इकट्ठा होकर आपके सामने पूरा पिक्चर खड़ा हो जाता है, पूरा सीन आपके सामने घटता है। सो क्योंकि कोई भी चीज़ इस दुनिया में जो घटती है वो दो बार घटती है, एक अपने दिमाग में और दूसरी एक्चुअल में, यूनिवर्स में। तो दिमाग में जो घटती है वो घटने के लिए हमको यूनिवर्स से जो मैसेज आता है, वो मैसेज से हमारे मन में वो आती है और फिर वो रियलिटी में हमें मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब तो सर हम सबको समझ में आ गया है, हमारे सारे व्यूअर्स को समझ में आ गया है कि ध्यानी होना परम आवश्यक है। आप एक बार को भोजन छोड़ दीजिए पर ध्यान मत छोड़िए। तो बहुत सुंदर सर, अब एक फाइनल प्यारा क्रिस्प सा मैसेज आपसे जरूर चाहूंगी मैं अपने व्यूअर्स के लिए। इस दुनिया में हर एक आदमी को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। और हर एक का बचपन अगर देखा जाएगा तो कौन से भी माहौल में हो, एकदम गरीब के घर में वो पैदा हुआ हो या अमीर के घर में पैदा हो,
उसका बचपन सुनहरा ही रहता है, अच्छा ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि बचपन में हम हमारी अंदर की आवाज सुनते हैं, हमारे आत्मा की आवाज सुनते हैं। लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमारे बाहरी मन की आवाज सुन के हम हमारे लिए दुख निर्माण करते हैं। लेकिन अगर आप हमेशा आनंद में रहना चाहिए चाहते हैं, जिंदगी का मजा लेना चाहते हैं, तो आपके पास एक ही रास्ता है, और वो रास्ता है ध्यान करना, ध्यान का प्रचार और प्रसार करना, ध्यान के माहौल में ज़्यादा से ज़्यादा समय तक रहना। आप रहेंगे तो आपका जिंदगी में खाली खुशियाँ, आनंद और प्रेम ही रहेगा, दुख के लिए जगह नहीं रहेगी। आप चाहोगे तो भी आपको दुख मिलेगा नहीं। इसलिए मेरे आप सबको विनती है कि आप हर रोज जितना हो सके उतना ध्यान कीजिए। ध्यान के बारे में जो भी आपके संपर्क में आएगा उसको बताइए, फोर्स मत कीजिए, लेकिन उसको बताइए जरूर। पीएमसी हिंदी का और आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप सबसे मुलाकात करने का, दोस्ती करने का आपने मुझे मौका दिया। हम सब दोस्त हैं और दोस्ती का रिश्ता सबसे बढ़िया है। सो आप सबको अभिवादन पूरी नम्रता से, और पत्री सर को कोटि कोटि प्रणाम। वो शरीर से भले हमारे में नहीं होंगे, लेकिन ऊर्जा शरीर में, ऊर्जा के साथ वो हमेशा हमारे साथ है, हमारे दिल में है, हमारे शरीर में है, पूरे माहौल में है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर सर, बहुत ही प्यारा, बहुत आनंदित कर देने वाला आपका पूरा एपिसोड हमारे साथ रहा। हमारा एक एक दर्शक आज फूला नहीं समा रहा होगा कि उसको इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त हुआ है, इतना सहज, इतने सहज तरीके से, सरल तरीके से आपने हम सबको समझाया कि हमारे जीवन में ध्यान का क्या महत्व है। हमें पत्री सर ने कितना अनमोल तोहफा दिया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे, और वो हमें सहज ही मिल गया। तो धन्यवाद सर, आपका भी, पत्री सर का भी, पीएमसी हिंदी का, पीएमसी टीम का, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैडम। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ शशिकांत सर थे। उन्होंने हमें इतने प्यारे तरीके से, हमको हमारे प्रश्नों के उत्तर इतने सहज और सरल तरीके से हमको दिए कि हम सबको समझ में आ गया कि हमें ध्यान क्यों करना है, हमारे जीवन में ध्यान का क्या स्थान है, क्या महत्व है। तो आइए मिलकर ध्यान करते हैं, औरों को भी ध्यानी बनाते हैं और स्वयं भी ध्यान करते हैं। हमारे साथ बने रहिएगा फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में एक नए मास्टर के साथ, नए प्रश्नों के साथ और उनके नए उत्तरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्ते पीएमसी।